हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो T3 फ़ोन है, तो वीवो T3 लाइट 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप रैम वगैरह शो कैसे कर सकते हो, फ़ोन की रैम को आप कैसे देख पाएंगे अपने वीवो T3 लाइट 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो आज हम बताने वाले हैं। तो T3 सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में रैम देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे हैं, इस पर स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन, सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप अपने फ़ोन में रैम देख सकते हैं। तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, आप देख सकते हैं, जहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है साउंड एंड वाइब्रेशंस, तो इस पर जाते हैं। तो इस पर जाकर आपके पास ऑप्शन आता है बैक करना है, सिंपली आपको जाना है अबाउट फ़ोन पे और क्लिक करते ही अबाउट फ़ोन सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, जिससे रैम वगैरह को आप देख सकते हैं, शो कर सकते हैं। सिंपली आपकी रैम शो करना चाहें यहाँ से देख सकते हैं, 4 GB रैम है जो आपकी शो हो रही है। इसमें 4 GB प्लस 1 GB 5 GB तक आपकी रैम शो होती है। तो इस तरीके से रैम को आप देख सकते हैं, शो कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ से रैम मैंने स्टोरेज पे जाकर भी रैम को शो कर सकते हैं। जैसे इस पे जाते हैं तो इस पे जाकर फ़ोन का रैम आप यहाँ से शो कर पाएंगे और देख सकते हैं कि 4+1 GB रैम है, जिसमें आपका स्पेस 2.5 GB का रैम स्पेस आपके फ़ोन पे शो हो रहा है, जिसका यूज़ कर पा रहे हैं। और साथ में फ़ोन की स्टोरेज देखना है तो यहाँ पर 64 GB स्टोरेज शो हो रही है। तो इस तरीके से रैम को भी देख सकते हैं, स्टोरेज भी देख पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।